हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोटो एडिटिंग किंग भावेश। गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ विजय मेहर की न्यू कृष्णा फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। कुछ इस टाइप की वो फोटो एडिटिंग होने वाली और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी फ़ोटो को कुछ इस तरीके से कैसे एडिट कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, इसमें मैंने कुछ बैकग्राउंड और PNGs का भी यूज़ किया है, उन सब की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से अपनी एक फ़ोटो क्लिक करनी है, फिर आपको इसे ओपन करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। ओपन करने के बाद इसमें हमारे फेस को हमें थोड़ा सा ब्लू टोन में क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा क्रॉप टूल में। आने के बाद आपको एडजस्टमेंट में जाना है, यहाँ पर आपको यू को सिलेक्ट करना है और यू को फुल कर देना है बिल्कुल, साथ ही में सैचुरेशन को भी फुल कर देना है। इसके बाद और ब्लू करने के लिए टेम्परेचर पर जाना है, माइनस की साइड जाना है पूरा। फिर इसमें मुझे थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है, तो हम ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा कम कर देंगे, ओके। देन फिर क्लियरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ये हो जाने के बाद आपको फिर जाना है इरेजर पर, इरेजर पर आने के बाद सब कुछ इन्वर्ट कर देना है। फिर ब्रश के साइज़ ऑपेसिटी आपको कुछ इसी तरीके से रखनी है, ओके, ये आपको कॉपी करनी है। फिर अपनी फ़ोटो में आपको जो है बिल्कुल एजेस एजेस से हल्के हल्के से स्ट्रोक इसमें लगाने हैं, इससे हमारा फेस जो है बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्लू टोन में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे एक फ़ायदा होगा, हमें जहाँ जहाँ पर ब्लू चाहिए सिर्फ वहीं पर ब्लू टोन जो है क्रिएट होगी, क्योंकि हमारे आईब्रोज के ऊपर और आई बॉल के अंदर हमें ये इफेक्ट नहीं चाहिए, तो वहाँ पर आपको इस इफेक्ट को यूज़ नहीं करना है। तो वहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पर स्किन दिख रही है वहाँ पर तो इसे यूज़ करना है, तो वहाँ पर आपको इसे थोड़ा जूम कर अच्छे से यूज़ करना है। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगाना है और बिल्कुल डिटेल में इसे बिल्कुल यूज़ करना है, इससे आपकी फ़ोटो में बिल्कुल रियलिस्टिक लुक आएगा, ओके गाइज। ये हो जाने के बाद आपको फिर इसे डन कर देना है। इसके बाद हमें इसमें कुछ PNGs को भी ऐड करना है, तो उसके लिए भी हम ऐड फ़ोटो में जाएंगे। जैसे आई बॉल का एक PNG है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से ऐड फ़ोटो में। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से जाना है, इस PNG को ऐड कर लेना है, इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी आपको कम करनी है और अपने आई बॉल के साइज़ के अकॉर्डिंग इसका साइज़ आपको इसे रखना है, ओके। फिर आपको जाना है यहाँ से इरेजर पर और इसमें जो कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है, चार एजेस है, उसे आपको इरेज कर लेना है, ओके गाइस। तो जिस तरीके से आपको इसे इरेज कर देना है, ओके। ये हो जाने के बाद आपको इसे भी फिर डन कर देना है। डन करने के बाद हमें इसमें एक और PNG को ऐड करना है, तो फिर से हम सेम स्टेप करेंगे, फिर से हम जाएंगे ऐड फोटो में, देन यहाँ से एक इस PNG को भी ले लेंगे। इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसका आपको ब्लेंडिंग मोड कर देना है लाइटन, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमारे नोज़ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर आपको इसे यूज़ करना है कुछ इस तरीके से, ओके। इसका साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना है, मीडियम साइज़ रखना है, ओके। और इस तरीके से लगाने के बाद आपको फिर डन कर देना है। फिर और एक PNG को ऐड करना है, तो उसके लिए भी सेम फिर से जाएंगे ऐड फोटो में, यहाँ से हम एक और PNG ले लेंगे। ये जो एक बिल्कुल मेन PNG है, इसके बिना ये फोटो एडिटिंग ही नहीं हो सकती, ओके। सबसे पहले इस PNG का साइज़ आपको फुल कर देना है अपनी फ़ोटो के ऊपर, थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेना है, ओके, इस तरीके से। फिर इसे डन कर देना है। फिर हमारे फ़ोटो में जो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे पार्ट बच जाएगा उसे हमें क्रॉप कर लेना है, तो हम जाएंगे क्रॉप टूल में। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से हम क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ओके। ये आपको भी करना होगा अगर आपकी फ़ोटो में एक्स्ट्रा पार्ट हो तो, ओके। ये हो जाने के बाद इसमें हमें थोड़ी सी डॉर्जन बर्न इफेक्ट देना है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से एडजस्टमेंट में। सबसे पहले पूरे ब्राइटनेस को फुल माइनस की साइड लेकर जाएंगे, साथ में कॉन्ट्रास्ट को भी हम फुल इंक्रीज़ कर देंगे। फिर जाएंगे इरेजर पर, सब कुछ इन्वर्ट कर लेंगे, फिर सेम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। ये सेटिंग आपको कॉपी रखनी है ब्रश की, ओके। फिर आपको जो पूरे फ़ोटो के जो एजेस है जैसे वहाँ पर आपको इसे हल्का हल्का यूज़ करना है, देख सकते हो इतना अच्छा इफेक्ट आ जाएगा फोटो में। इस डॉर्जन बल से ऊपर से थोड़े स्ट्रोक लगाएंगे, थोड़े से स्ट्रोक नीचे से लगाएंगे, बट आइज़ के ऊपर आपको इसे यूज़ नहीं करना है, ओके। आइज़ को आपको थोड़ा हल्का हल्का सा वाइट टोन में ही रखना है, बिल्कुल जो एजेस है वहाँ पर ही आपको इसे यूज़ करना है, ओके। ये हो जाने के बाद हमारे पिक्सेट का जो कुछ भी काम है वो ख़त्म हो चुका है, अब हम इसे ओपन करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। से चलिए लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइज मैं आ चुका हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हमें अपनी लाइट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, तो उसके लिए हम लाइट्स वाले टैब पर जाएंगे। यहाँ पर मुझे शैडोज थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, मैं इसे थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दूँगा, इससे फोटो जो लेवल अप हो जाएगी। फिर हाईलाइट्स को थोड़ा माइनस की साइड लेकर जाएंगे,
देन कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, इतनी सेटिंग्स काफ़ी है। फिर हम जाएंगे कलर वाले टैब पर, यहाँ पर आने के बाद आपको इसे टेम्परेचर थोड़ा सा माइनस की साइड लेकर जाना है, अराउंड 2-3%, ओके ऐसे ज़्यादा नहीं ले जाना है। फिर टिंट को आपको हल्का सा इंक्रीज कर सकते हो आप, मुझे थोड़ा सा माइनस की साइड करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लू हो चुका है, ओके। फिर आपको वाइब्रेंस भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, साथ ही में आपको जाना है कलर मिक्सर वाले टैब पर, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का जो यू है उसे थोड़ा सा तेल कलर की साइड लेकर जाना है, और थोड़ा सैचुरेशन और ल्यूमिनस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, और फिर डन कर देना है। इसके बाद आ जाना है आपको इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में आने के बाद आपको इसका टेक्सचर थोड़ा सा इंक्रीज करना है, क्लियरिटी थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, डेप्थ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, और वीकनेस को बिल्कुल थोड़ा सा माइनस की साइड लेकर जाना है, ओके बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। फिर जाना है शार्पनेस में, और थोड़ी सी शार्पनेस को इंक्रीज करना है अराउंड 50%, ओके। फिर आपको नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, इसके बाद आपको जाना है कलर नॉइस, उसी के नीचे कलर नॉइस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, इससे फोटो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा शार्प नहीं रहेगी, ओके। और ये हो जाने के बाद गाइस हमारी फोटो जो रेडी हो चुकी है, आप देखिए बिफोर आफ्टर कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है कलर ग्रेडिंग की वजह से। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई, पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।